Hello everyone. I welcome you all to my official YouTube channel English by Preeti Bhardwaj. Dear friends, आज का ये वीडियो हमारे अब तक के सभी वीडियो से थोड़ा अलग रहने वाला है. Because in this video we are going to discuss that how I qualified KBS exam and what were my strategies. कंटेंट पे वीडियो बनाओ. आई एम प्रीटी श्योर आपने थंबनेल देख ही लिया होगा. तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सके. तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है. मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें. एंड एट द एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक. तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज अ टीजीटी जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहले यू नीड टू हैव अ बैचलर डिग्री. उसके बाद आपके पास एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए. एंड मेक श्योर ये दोनों ही डिग्रीज एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो. और इन डिग्रीज के अलावा आपके पास क्वालिफाइड सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए. एंड डियर फ्रेंड्स बात अगर हम अपने डिग्रीज की करें तो यहां आपका जो स्कोर है वो 50% और अबव होना चाहिए. अगर आपका स्कोर 50% से कम है तो आप केवीएस के लिए एलिजिबल नहीं है. तो ये है वो असेंशियल क्वालिफिकेशंस. अब क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें कि आप कितनी एज तक केवी में टीजीटी जॉब के लिए एलिजिबल है, तो केवीएस में टीजीटी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स है. यानी 35 साल तक की आयु तक आप केवीएस में एज अ टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद बात करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज को दिए जाने वाले रिलैक्सेशन की. अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा. अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है. और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है. इसके अलावा भी कुछ रिलैक्सेशंस हैं. जैसे मान लिया अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या केवीएस के ही अगर एम्प्लॉय हैं तो उन फर्दर डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइल्स अटैच हैं. आप वहां जाकर वो फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो ये बात हुई एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की. इसके बाद हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की कि केवीएस का जो टीजीटी पेपर पैटर्न है वो कैसा रहता है. तो फ्रेंड्स हमारा जो केवीएस का पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है. ये 2 पार्ट्स में इसका डिविजन होता है. फर्स्ट इज हिंदी देन इज इंग्लिश. ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है ये 15-15 मार्क्स कैरी करता है. यानी 15 मार्क्स में हिंदी काउंट होता है और 15 मार्क्स में इंग्लिश काउंट होता है. इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें आपका होता है जीके और करंट अफेयर, ये एक पोर्शन होता है. इसके बाद होता है रीजनिंग. After reasoning, we have computers, and after computers, we have pedagogy. ये चारों ही सेक्शन 30-30 मार्क्स कैरी करते हैं. तो यहां से आपका ये टोटल स्कोर 120 हो जाता है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का स्कोर 30 हो जाता है. तो इन टोटल आपका जो रिटन एग्जाम है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको जो टाइम लिमिट मिलती है वो 2.5 आवर्स की टाइम लिमिट मिलती है. यानी आपको 2 घंटे और 30 मिनट में आपको 150 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है. ये है आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न. अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है. इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स कैरी करता है. तो यहां से 150 और 60 ये टोटल आपका 210 स्कोर हुआ. लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बाद वो 100 में से निकलती है. तो एक्चुअली होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि ये जो 150 मार्क्स का जो आपका रिटन एग्जाम है उसका 85% कैरी किया जाता है
और ये जो आपका 60 मार्क्स का इंटरव्यू है इसका 15% कैरी किया जाता है, यानी जितना स्कोर आपका 150 में से रिटन एग्जाम का रहेगा उसका 85% लिया जाएगा और जितना स्कोर आपका इंटरव्यू में 60 मार्क्स में से रहेगा उसका 15% लिया जाएगा और इन दोनों को कवर करके बाद में 100 में से आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो अब तक हमने बात की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, एज लिमिट के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में। अब जान लेते हैं जो आप सब जानना चाहते हैं कि मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजीज क्या रही, मैंने कैसे केवीएस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों को अगर साइड रख दें तो सबसे पहले जो बहुत ही बेसिक चीज जो हमें अपनी लाइफ में भी मेंटेन करनी चाहिए वो है पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट। सी, इट हैज बीन वेरी वेल सेड दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वह राह। पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन रखिए और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो भी पॉजिटिव रहे। और अगर आप मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं तीन वर्ड्स पे हमेशा से भरोसा करते आई हूं, वो है डी, सी और एस। ये जो अल्फाबेट्स हैं ये मेरी लाइफ का मूल मंत्र है। डी बोले तो डिसाइड, सी बोले तो कमिट और एस बोले तो सक्सीड। मेरी लाइफ का रूल कहता है डिसाइड कर लो आप क्या करना चाहते हो। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संगठन से मैं पढ़ी हूं, जहां से मैंने सब कुछ सीखा है, मुझे एक दिन उसी का मेंबर एज अ स्टूडेंट नहीं केवल एज अ टीचर भी बनना है। तो आप डिसीजन ले लीजिए, एक माइंडसेट फ्रेम कर लीजिए कि मुझे जिंदगी में यहां पहुंचना है, इस मुकाम को हासिल करना है। उसके बाद उस डिसीजन से, उस प्लान से, उस पोस्ट से एक कमिटमेंट कर लीजिए, उसके साथ एक गहरा रिश्ता बना लीजिए कि मुझे तुझे पाकर ही रहना है। और जब आप डिसीजन कर लेंगे और उस डिसीजन के लिए कमिटमेंट कर लेंगे तो आपको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन तीन बेसिक मूल मंत्रास को फॉलो कीजिए लाइफ में, पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन कीजिए। देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है ना, हमें ये लगता है कि दुनिया भर की प्रॉब्लम्स सिर्फ हमारी लाइफ में है, सिर्फ सारे स्ट्रगल भगवान ने हमारी लाइफ में लिखे हैं और स्ट्रगल के बिना तो कोई हीरो बनता नहीं, आप सब जानते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स को फेस करता है, जो स्ट्रगल फेस करता है, एट द एंड वही एक ब्राइट स्टार बनता है। तो लाइफ में आने वाली मुसीबतों से घबराइए मत, किसी एग्जाम से डरिए मत, उसका सामना कीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग डिसीजन के बारे में। अक्सर होता क्या है ना कि हम और आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, कोई ऑनलाइन बैच को ज्वाइन किया जाए, कहीं इंस्टीट्यूट पर रेगुलर क्लासेस ली जाए या सेल्फ स्टडी की जाए। देखिए, आप चाहे किसी भी तरह से प्रिपेयर कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये तीन रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे सक्सेस नहीं मिलेगी। नो डाउट आज के टाइम ऑनलाइन बैचेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनकी जो फी है वो भी बहुत नॉमिनल रेट पे रहती है। बात करें किसी ऑफलाइन बैच की, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की, तो वहां आपका जो एक टाइम टेबल है वो रेगुलर वे से मेंटेन रहता है, आपका एक रूटीन सेटअप हो जाता है। और मैंने जिस इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन की उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, बट प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट या ब्रांड के बारे में यहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, उसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर कोई चीज अच्छी है तो उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहें या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहें, वो आपकी मर्जी है, वो टोटली आपका व्यू पॉइंट है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करके एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी एक बेटर ऑप्शन है, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ बुक्स आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। अब हमने ये देख लिया कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए। आपने प्रिपरेशन कर ली, एग्जाम के लिए जो कंटेंट है वो आपने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद आपका जो फर्दर स्टेप आता है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि
अब तक आपने जितना भी कंटेंट या सिलेबस जो आपने सेल्फ स्टडी से या किसी ऑनलाइन बैच से या किसी ऑफलाइन बैच से जो आपने प्रिपेयर किया है, उससे आपको सिर्फ एक आइडिया मिलता है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन कैसे पूछा जाएगा, जो नॉलेज आपने गेन की है उसको कैसे अप्लाई करना है, या एग्जामिनर किस टाइप से आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर से। मेरा मानना है कि कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए। और एक बार जब आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए और पिछले पांच साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपके सॉल्व हो जाएं, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए आप किरण पब्लिकेशन या अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले सकते हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। एक्चुअली डियर फ्रेंड्स, आप कम से कम, ज्यादा नहीं तो 8-10 मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कितना जो प्रिपेयर किया वो आप उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, आपने जो प्रिपेयर किया है वो क्या वाकई एग्जाम में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, एग्जाम से 10 दिन पहले या एक हफ्ता पहले आप कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, ना ही कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअली डियर फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि कभी कभार कोई एक इतना टफ टेस्ट हमारे सामने आ जाता है या टफ सैंपल पेपर हमारे सामने आ जाता है कि जितना हमने प्रिपेयर किया होता है वो हम उसमें अप्लाई नहीं कर पाते और हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस पूरा जो है वो लूज हो जाता है। तो सीक्रेट स्ट्रैटेजी नंबर 2 कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर सॉल्व करने हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर जब आपके मिनिमम, देखिए मैक्सिमम तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मिनिमम जब आपका 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। चलिए अब बात करते हैं केवीएस टीजीटी को मिलने वाली सैलरी के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, आप जानते होंगे कि एसएससी सीजीए लेवल पे कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करता है जिनको क्वालिफाई करके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब पाते हैं। तो वहां आपको जो ग्रेड पे दिया जाता है वो 4600 का ग्रेड पे दिया जाता है। यही 4600 का ग्रेड पे आपको केवीएस टीजीटी देता है। इससे जो आपकी बेसिक पे निकल के आती है वो 44900 निकल के आती है। ये आपकी बेसिक पे है जिसके ऊपर आपका डीए, फिर आपका टीए और फिर आपका एचआरए। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, टीए यानी ट्रेवल अलाउंस और एचआरए यानी जो आपको हाउस रेंट मिलता है। ये तीनों इसके ऊपर बेसिक पे के ऊपर फर्दर ऐड किए जाते हैं, जिसके बाद आपको जो ग्रॉस सैलरी है वो अराउंड 62,000 अप्रोक्स आपको मिलती है। यानी केवीएस टीजीटी आपको जो सैलरी देता है वो अराउंड 62,000 देता है, जिसमें साल में 3 बार इंक्रीमेंट लगता है। ये इंक्रीमेंट डीए की फॉर्म में लगता है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है डायरेक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट साल में 2 बार जो है वो डियरनेस अलाउंस में इंक्रीमेंट करती है। तो इस सैलरी के ऊपर आपको जो ये अप्रोक्स 62,000 सैलरी मिलती है, इसमें 2 बार आपका डीए इंक्रीज होता है और 1 बार आपको सीनियोरिटी इंक्रीमेंट मिलता है। सीनियोरिटी जो है वो आपका जुलाई टू जुलाई काउंट होता है। जैसे जैसे हर साल आप डिपार्टमेंट में सीनियर होते जाएंगे, आपका सीनियोरिटी पे स्केल जो है वो आपकी सैलरी में एड होता जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट अ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। यहां तक आपने वीडियो देखी है तो आई एम प्रिटी श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस एक वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाई हूँ। फर्दर अगर आपके कुछ डाउट्स अभी पेंडिंग हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स के लिए मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए मेरे ट्विटर और इंस्टा हैंडल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके जितने भी फ्रेंड्स, कजन्स और रिलेटिव्स केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज अ टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, शेयर दिस वीडियो विद देम एज वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। साइनिंग ऑफ, प्रीति भारद्वाज।